नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रवेन वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी के सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो 15 प्रश्न लेकर आया हूँ इंपोर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके पास में इस तरीके से 15 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हाल ही में हमने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, मेरा घर मेरा स्कूल के नाम से। अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर हमारे जो नया चैनल बनाया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं, अति लघु उत्तरी होते हैं या फिर निबंधात्मक होते हैं? चयन प्रकार के सभी प्रश्नों के बारे में पूछा गया है कि वे किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो याद रखिएगा, वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ही हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के चार विकल्प दे देंगे, उन्हें ही हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं और यही परीक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वही सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मानी गई है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत आपको बताना है मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। यदि हम किसी को बता रहे हैं मौखिक भाषा में, तो यदि आप सरल और सहज भाषा में सरल और सहज भाषा का प्रयोग करेंगे तो जल्दी उसको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत, वो होगा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। तो यहां पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, यहाँ पर आपको निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है क्या होगा? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो निदानात्मक परीक्षण है वो कमजोरियों का पता भी लगाता है, उसको दूर भी करता है और उपचारात्मक सुझाव भी देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर नाटक शिक्षण में आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पढ़े गए नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा तीसरा वाला। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है, यहाँ किसका कथन है? इम्पोर्टेंट कथन है, ये स्किनर का कथन है, क्रो एंड क्रो का है, पावलाव का है, या फिर थर्नडाइक का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन थर्नडाइक का है। याद रखिएगा, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है, यहाँ कथन थर्नडाइक का है। चलिए अगला प्रश्न है, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। स्वरागम है, स्वर भक्ति है, स्वर लोप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वर लोप। ईश्वर को ईश्वर कहना ये स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है, याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इन चारों विकल्पों में से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां, या फिर विशिष्ट अभ्यास? तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा व्यायाम। व्यायाम उच्चारण शिक्षण की विधि नहीं है, याद रखिएगा। अतिरिक्त कक्षाएँ, गोष्ठियाँ और विशिष्ट अभ्यास, ये तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ हैं, व्यायाम उपचारात्मक शिक्षण की विधियां नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
और सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, ये किस प्रकार का नियम का उल्लंघन है? संदर्भ की समझ ना होना है, नियम कंठस्थ ना होना है, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण है? तो ये नियमों का अति सामान्यकरण है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चाम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यहाँ कथन किसका है यदि पूछे तो याद रखिएगा यह चाम्स्की का है। अब आपको यहाँ पर आपको बताना है कि यह चाम्स्की का जो कथन है इससे कौन सहमत नहीं है, थर्नडाइक, वाइगोत्स्की, गेट्स या फिर पियाजे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे। याद रखिएगा बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यहाँ जो चाम्स्की का कथन है इसमें पियाजे सहमत नहीं है, तो फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है भाषा कौशलों के संबंध में। तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा हमारा भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, ये भाषा कौशलों के बारे में सही कथन होगा, सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित होती है, या फिर जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है? बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना है, हर महीने परीक्षाएं लेना है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना है? तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना ही सतत मूल्यांकन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, रोहन किस समस्या से जूझ रहा है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, कठिनाई या फिर विकार से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखी है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर टोटल 25 प्रश्न लिए हैं और सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सभी प्रश्नों को समझाया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहां पर आपको बताना है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, डिसग्राफिया से है, या फिर डिसलेक्सिया से है, या फिर डिप्रेशन से ग्रसित है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। याद रखिएगा जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहाँ सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिका का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहें, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है? तो राइट आंसर होगा कि भाषा कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहाँ सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। यहाँ पर अगला और लास्ट प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने या फिर समझाने की कुशलता से निपुण होते हैं, या फिर सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं? तो राइट आंसर होगा विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में या फिर मातृभाषा में समझने या फिर समझाने की कुशलता से निपुण होते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे जो 15 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट से के माध्यम से बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे जो न्यू चैनल है मेरा घर मेरा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।